देश भर में कन्हैया के जन्म की धूम है। स्थान स्थान पर पंजीरी और चरणामृत का भोग लगाया जा रहा है। बधाई गीतों के बीच चुनावों की गूंज भी सुनाई पड़ रही है। नेता बयानबाजी में लगे हैं, जनता से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। ऐसे में एक प्रश्न बार बार हम सभी के मन में उठ रहा है कि हमारा नेता कैसा हो, कौन सी क्षमता देखकर हम अपना नेता चुने। इसका समाधान बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यद्दा चरति शिष्ठस्तत् देवेत्रा जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। समाज में हमें श्रेष्ठ नेतृत्व क्षमता वाले कुशल नेताओं को ही स्थापित करना चाहिए। किसी भी राष्ट्र के कुशल नेता जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण जनता करती है। इसलिए राष्ट्र को समर्थ कुशल एवं चरित्रवान बनाने हेतु हमें समर्थ कुशल एवं चरित्रवान नेता प्रत्येक क्षेत्र में चुनना चाहिए और ऐसा ही नेता निचले पायदान के व्यक्ति तक सुख सुविधा पहुंचाना सुनिश्चित करता है। परंतु अच्छे बुरे नेता की पहचान कैसे करें? राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने वाले, जनता के हित में काम करने वाले नेतृत्व को कैसे पहचाने? इसके लिए श्री कृष्ण ने कहा है, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ प्रपधन्ते नराधमः मायया प्रत्यज्ञाना असुरं भावं आश्रितः। माया के वशीभूत आसुरी स्वभाव वाले लोग कभी भी राष्ट्रहित की चिंता नहीं करते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग, जम्मू कश्मीर के उग्रवादी तथा वामपंथी जैसे अनेक समूह हैं जो माया के वशीभूत होकर राष्ट्र विरोधी कार्यों में ही लिप्त रहते हैं। इसके साथ ही धर्म और राष्ट्र को अलग अलग दृष्टि से देखने वाले लोगों से देवकी नंदन कहते हैं, कुल शय प्राणशंति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत स्नो धर्मो अभिभावत्युत। राष्ट्र धर्म में निष्ठावान समुदाय के सक्रिय रहने से राष्ट्रीय नैतिक मूल्यों की स्थापना होती है। राष्ट्र धर्म प्रतिष्ठित होता है तथा राष्ट्र परम वैभव के मार्ग पर चल पड़ता है। वर्तमान में भारत का राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्र धर्म में निष्ठा रखते हुए इस राष्ट्र को परम वैभव पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए कटिबद्ध है। धर्म का राष्ट्र से क्या संबंध है? भारत को माँ कहकर क्यों पुकारते हैं? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री वृज्यो भूतिद्रुवा नीति मृतिम्रम। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ राष्ट्र ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक होता है, जिसे हम भारत माता के रूप में अखंड शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, और जहाँ गांडिव धनुषधारी अर्जुन होते हैं, अर्थात सभी प्रकार के मोह और स्वार्थ को त्याग कर मातृभूमि के प्रति समर्पित रहकर कर्म करने वाले वीर माटी पुत्र होते हैं, वह राष्ट्र सदैव विजय और परम वैभव प्राप्त करता है। पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होकर और सत्ता के लालच में हमने अपने राष्ट्र नैतिक मूल्यों एवं सनातन परंपराओं को नष्ट कर दिया है, जिसके कारण हमारा राष्ट्र धर्म भी नष्ट हो गया और राष्ट्र धर्म नष्ट होने के कारण आज हमारा भारतवर्ष पतित अवस्था में पहुंच गया है। आवश्यकता है धर्म संस्कृति को पुनः स्थापित करने की, जन जन को जीवन में सनातन परंपरा अपनाने की, तभी यह देश पुनः विश्वगुरु कहलाएगा।